हेलो, कैसे हो सभी लोग। पागल में कोई नहीं उड़ा रहा है, फिर खेलने वाले हैं शेडो फाइट 3। सो आज की वीडियो में मैं स्टोरी को कंप्लीट करने वाला हूँ। डेली रिवॉर्ड 25 रेयर की कीज क्लेम कर लिया मैंने। साथ मुझे लगता है रेयर की चेस्ट भी ओपन हो रही होगी। ओपन करते हैं जल्दी से, चल के उसको चेक कर लेता हूँ मैं। हो भी रही है, नहीं हो रही है भाई, मुझे पता था हो जाएगी 25 की में। ठीक है, ओके, सब कुछ अंडर पावर दिखा रहे हैं। देखो 30 की चाहिए होती है यहाँ पे रेयर की चेस्ट ओपन करने के लिए, और मुझे पता था कि 5 की तो मेरे पास पहले से होगी ही। यहाँ पे मैं 5 एपिक की भी परचेस कर रहा हूँ, सस्ते में पड़ गई तो मैंने यहाँ परचेस कर लिया। 23 के वैसे सस्ते में तो नहीं है, बूस्टर का एक पैक भी दिखा रहा है, तो चलो ठीक है, फ्री है। खोलते हैं जल्दी से, देखते कितने पीसेस में मैं कट करूँगा। 72 पीसेस, ऑल राइट। तो मुझे यहाँ से इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें नहीं मिली कि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ सीधा चलते हैं स्टोरी में फाइट की तरफ, क्योंकि लास्ट की 3 वीडियो से मैं ड्रैगन लेसन के इवेंट को ही कंप्लीट कर रहा था। डेंग राव यहाँ पे दिखा रहा है, सो हो सकता है डेंग राव ये वाला बॉस हो, क्योंकि मुझे ये तो पता है लास्ट ड्यूटी में किसी बॉस से ही फाइट हो रही है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है राउंड 1 डेंग राव। भाई डेंग राव ये, इसको हराऊंगा मैं इस बार फाइट। हेल्थ तो सही जा रही है, यार बहुत ज़्यादा इजी है इसको हराना। उतना ज़्यादा ये पावरफुल नहीं है जितना मुझे लग रहा था कि भाई फाइनल का बॉस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, मुझे गंदी तरीके से मारेगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राउंड 2 की बारी है फाइट, ये और मुझे हराएगा। डेंग राव के साथ तो काफी ज्यादा नाइंसाफी है, उसने शेडो की एनर्जी का यूज भी किया फिर भी मुझे उतना ज्यादा डैमेज नहीं लगा, बट मैंने भाई मेरे वेपन से इसको हरा दिया, और अब मैं शेडो की एनर्जी का यूज करूंगा तो क्या होगा इसका। राउंड 3 फाइट, लो भाई खत्म। ये बॉस था डेंग राव, कैसा बॉस था भाई ये, परफेक्ट तरीके से मैंने हराया। ऐसे बॉस मत भेजा करो भाई गेम वाला, ऐसे बॉस मत भेजा करो, या तो फिर इनको नॉर्मल प्लेयर बना के भेजो भाई। ऐसे बॉस ये भेज रहे हैं ना, मतलब बॉस भी सोचता होगा कि भाई मैं बॉस हूँ। किस एंगल से भाई वो बॉस लग रहा था, 3 राउंड लगातार हरा है, वो भी इतनी गंदी तरीके से, वो मुझे डैमेज भी नहीं दे पाया। मानता हूँ नॉर्मल फाइट हो रही थी, बट भाई बॉस से थोड़ा तो पावरफुल होता। चलो अभी बार ये नेक्स्ट वाली फाइट क्या फेवर फॉर अ फेवर में, देखते हैं ये फाइट किससे होने वाली है, कौन आने वाला है। राउंड 1 ओपन वुंड, एमिसरी से अपनी फाइट होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट राउंड सही हेल्थ जा रही है क्योंकि नॉर्मल है। एक फाइनल नहीं, फिनिश। सो फर्स्ट राउंड तो मैं यहाँ पे विन हो चुका हूँ। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि मैं ब्लीडिंग पे लगा हूँ, मेरी ऑटोमेटिक हेल्थ जा रही है, सो मुझे इसको काफी ज्यादा जल्दी से हराना पड़ेगा, वरना भाई मेरी हालत खराब यह कर देगा। ये तो मुझसे बचता रहेगा और मेरी हेल्थ जाती रहेगी। राउंड 2 फाइट, चलो ठीक है, एमिसरी को तो मैंने इजीली हरा दिया है। यार ये इतना ज्यादा पावरफुल था क्योंकि ये फाइट अपनी नॉर्मल के अंदर हो रही थी, बट नेक्स्ट वाली फाइट शायद हार्ड के अंदर हो सकती है। चलो ठीक है, रिवॉर्ड देख लेते हैं एक बार, पता है नॉर्मल सी चीज़ें ही मिलेगी। नहीं यार इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें नहीं है कि मैं इनका यूज़ कर पाऊँ, तो चलो छोड़ते हैं। कैप्टन फांग E2। सो क्या नेक्स्ट वाला बंदा E2 होने वाला है, क्या नाम था भाई इस वाले मैप का, मार्कस भी दिखा रहा है कैप्टन फांग, मार्कस भी हो सकता है भाई E2 या मार्कस। सेक्रीफिक्सेस ऐसा कुछ इसका नाम था स्टोरी का, गार्ड ना E2 ना मार्कस। यहाँ पे तो आ चुका है फाइट के लिए गार्ड फाइट, जाने वाला खत्म। सो फर्स्ट वाला राउंड तो मैं भाई बहुत ज्यादा इजीली से विन हो चुका हूँ। गार्ड उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, और होगा भी कैसे भाई,
अपन तो बॉसेस को हरा देते तो भाई ये गार्ड क्या लगेगा अपने सामने, बट इसका कासर बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता। अगर अंदर से विजिट करने को मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा है। राउंड टू फाइट। फर्स्ट में गिर गया वो, मैं शेडो के नज़र यूज करूँगा। लो आए, अरे अब गया ना, एक और नहीं लग पाया। चलो ये हारने वाला है, खत्म। एक और फाइनल फिनिश। चलो यार गार्ड तो बहुत ज़्यादा इजी था गार्ड को हराना, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी इसको हरा भी दिया है। यू भी यहाँ पे लिखा आ चुका है। रिवॉर्ड चेक करते क्या क्या मिलेगा। होप करता हूँ कुछ तगड़ा ही मिलेगा आपके भाई को, कॉइन वगैरह कुछ तगड़ा नहीं मिला। वैसे नॉर्मल जब बॉस को ही मारने से तगड़ा नहीं मिला तो नॉर्मल बंदा था गार्ड, ये सिर्फ वो वाले कासल का गार्ड था। नेक्स्ट फाइट जून्स प्लेन्स इनसेन में दिखा रहा है क्वीन मोयरा। क्या क्वीन मोयरा से मेरी फाइट होने वाली इनसेन में। मार्कस लॉन्ग टाइम सो सी, ऐसा कुछ नाम है ना फाइट। अरे ये कहाँ भेज दिया मुझे भाई स्टोर पे। लॉन्ग टाइम नो सी ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोरी का नाम है लॉन्ग टाइम नो सी। सो देखते हैं क्वीन मोयरा एल्डर। हाँ भाई इसको मैं पहले हरा चुका था, मैं बहुत पहले, बड़े दोबारा से आया है। हेल्थ कम जा रही है, अभी गई थोड़ी सी ज़्यादा। ओए टकले, गॉड ऑफ वार बना दूंगा तुझे। हरा दूंगा मैं। एक फाइनल डैमेज हो, फिनिश। एक बात आपने देखी भाई, मेरा मतलब शॉट उसको लगी नहीं, वो ऑटोमेटिक हार गया। मतलब ये भी साथ ब्लीडिंग वगैरह पे लगा हुआ है। सो अभी बारी है राउंड टू की। भाई लगता है कि नहीं गॉड ऑफ पार्टी से, पर रेड कलर लगा दो उसके आईज के पास। अरे मेरी तलवार के वार समझ गया, हल्के से भी। सस्ता गॉड ऑफ पार्टी। फिनिश भाई, हरा दिया मैंने एल्डर को। उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था यार, देख के आपको पता चल रहा होगा। बहुत ज़्यादा वैसे तो फाइट इंसेन में दिखा रहा था, और मुझे जहाँ तक लग रहा था कि क्वीन मोयरा से अपनी फाइट हो सकती है, बट या फिर मार्कस से, पर ये तो एल्डर था भाई, इसको मैं पहले भी हरा चुका था। ये कुछ मुझे रिवॉर्ड मिला जो कि उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। मुझे ये रिवॉर्ड उतना ज़्यादा अच्छा लगता भी नहीं है। क्वीन मोयरा यहाँ पे फिर से दिखा रहा है, कैप्टन फांग हटिया मार्कस। भाई नेक्स्ट फाइट भी यहाँ पे इंसेन ही दिखा रहा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में खेलूंगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे की को क्लेम करूंगा, जो कि अपने को फाइट विन होने से मिली है। रेयर की चेस्ट ओपन करके देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है उतना कुछ तगड़ा मिलेगा नहीं, तो रहने दो फिर। ओ भाई उतनी ज़्यादा भी तगड़ी चीज़ें नहीं थी यार, ख़राब ख़राब सी चीज़ें थी यार। अंडर पावर इतनी ज़्यादा होती है ना, पर फिर भी मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है। ठीक है कॉइन मिल गए मुझे, थोड़े से ज़्यादा अच्छी बात है। ख़त्म सब कुछ। सो यही कुछ था आज की वीडियो में, मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लेम कर लिया। दो बार मैंने रेयर की चेस्ट खोली, बट इससे मुझे कुछ भी ज़्यादा पावरफुल नहीं मिला है। नेक्स्ट फाइट इंसेन दिखा रहे थे, उसको मैं खेलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। वो देखने के लिए वीडियो कर दो लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो फिर मैं मिलता हूं किसी और मैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।